This video is brought to you by Mubi, a curated streaming service dedicated to streaming and elevating great cinema from all around the globe. You can get a whole month free at mubi.com/HOC2023. So yeah, the Breaking Bad मैंने देखा था अपना breakup time. तो I think you probably had a very different idea what Breaking Bad means. मैंने ना recently ये चीज देखी थी Love Robot and Death and Robots. यार उसमें वो जिबारो My God, it is so beautiful. उसके बाद मुझे लगा मुझे वापस painting शुरू करनी है. मेरे को तो इसका बड़ा अच्छा लग रहा है. ये मस्त बैठ गई. Light on you is poetic. Poetic. ये जो सिनेमा के बारे में लिखने वाले लोग होते हैं ना हर चीज़ में पोएटिक यूज़ कर लेते हैं इजी होता है नहीं इट्स डिड आई से इट्स लुकिंग पोएटिक ऑन यू नो वाला अच्छा गाइस ऑल द कैमरास रोलिंग ओके हाय फातिमा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिल्ली से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एट योर ब्यूटीफुल होम Thanks, it's yeah. Such a nice, beautiful gift. Gift? ऐसे घर में आए कुछ gift नहीं है. तो हम लेके जाएंगे ना. खुद ही हो ना. सामान उठा के लेके जाएंगे. अच्छा चोर. ये करता है ये हमारे क्रू के लोग थोड़े ऐसे हैं. थोड़े थोड़ा बच के रहना चाहिए. डाल के. हाँ मैंने भी बहुत किया. हाँ मतलब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं हमारे अभी आई फील यू बट नो थैंक यू सो मच यार मतलब इट्स सच अ प्लेजर एंड आई एम सच अ बिग एडमायरर ऑफ योर वर्क You know, and I've spoken before, and I've especially Thar, I loved so much, Ludo, and of course starting from Dangal, I loved all of your performances, and especially also Model of Mumbai, the part that you played was so interesting, and I remember you telling me about that part when we had met during Thar. Correct. तब तुमने बात करी थी उस वाले part के बारे में, and you had told me how excited you were about that film. I was. And when I saw it, I could actually see the amount of effort that you had put into it, and it came out so well, so beautifully. I could also see like a personal connect much more than what I had felt in the other films, maybe. सब characters actually बहुत अलग है, क्योंकि जैसे वो थार वाली जो लड़की है, वो इतनी distant है, इतनी शांत है, उसका struggle अलग है, उसकी backstory अलग है. With जो लालजरी है रातरानी वाली शी इज़ अ वेरी फ्री कैरेक्टर देर उसको कंटेन नहीं कर सकते सो वेन एक्चुअली फॉर मी प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ सो फ्री इज स्लाइटली ईजियर टू प्ले देन आई कैन डू एनी थिंग देन आई कैन जस्ट प्ले विदाउट एनी वरी विद कैरेक्टर्स वे यू हैव टू बी रिस्ट्रेन ना दोज आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस फॉर मी आई फील बट मुझे वो रिस्ट्रेन्ड इन व्हाट सेंस जब ये ऐसे रहना होता है तो वो तो हो जाता है मतलब मे बी कुछ लोगों के लिए शायद वो थोड़ा टास्क होगा यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सनली मोर या आई फील दैट मोर देन दैट देयर वाज फ्रीडम आई डिडंट हैव टू फॉलो अ सर्टेन पैटर्न या बॉडी बिहेवियर या कि ऐसे ही बैठना है या ऐसे ही खड़े रहना है मैं फैल सकती थी वो मुझे अच्छा लगा कि आई कुड यू नो एक्सप्लोर दिस कैरेक्टर इन अ वे वेयर आई डोंट हैव टू थिंक दैट शी हैज टू बी यू नो वेरी ऐसे There is innocence, पर वो बिहेवियर वाइज शी इज़ फुल बिंदास तो वो मुझे अच्छा लगा बट ऑनेस्टली मैंने इतना सोचा नहीं था एवरीथिंग वॉज ऑन स्क्रिप्ट कैरेक्टर वॉज वेरी वेल एस्ट आउट वेरी वेल रिटन उसका ग्राफ बहुत क्लियर था ऑल्सो मुझे लगता है कि जब तक पेपर में कैरेक्टर ठीक से लिखा नहीं हो वो कभी स्क्रीन में उतना उठ के नहीं आएगा अगर ग्राफ ठीक से लिखा नहीं है वो आप कितना भी दे दो इन दी एंड एडिट होके कट हो जाए सो अनटिल इस पेपर में ग्राफ नहीं है इट वोंट यू वोंट हैव इनफ स्कोप टू प्ले और प्ले अराउंड विद दैट कैरेक्टर सो विद लालजरी आई हैड दैट मच स्पेस और सेट पे कितना मतलब ऑन पेपर अगर आपको परसेंटेज वाइज बोलना होगा कि मतलब कितना परसेंट ऑन पेपर हो जाता है और उसके बाद कितना काम सेट पे होता है एंड हाउ मच ऑफ इट डिपेंड्स ऑन यू वर्सेस हाउ मच ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर अगेन ये बहुत हर फिल्म में निर्भर करता है कुछ लोग पेपर जैसे सोनाली लाइक्स टू बी कम्प्लीटली प्रेप्ड सब कुछ पेपर में था मैं अवेलेबल थी मैंने उनको बोला था कि मुझे ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग के लिए भी ले जाओ जो रेकी होता है तो मैं रेकी में गई थी ओह रियली तो एक्चुअली वो कैमरा और क्रू का रेकी था फॉर आर्ट एंड एवरीथिंग बट बिकॉज आई वॉज फ्री आई टोल्ड हर दैट आई विल कम आई विल ऑल्सो गेट टू सी द स्पेस आई विल ऑल्सो परफॉर्म एंड व्हेन यू ब्लॉक विद द एक्टर इट्स स्लाइटली डिफरेंट व्हेन यू ब्लॉक विद एन एडी इट्स डिफरेंट बिकॉज मेरा इंस्टिंक्ट होगा प्रॉबेबली यहाँ से यहाँ जाने का नहीं यहाँ से वहाँ जाने का सो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड वी न्यू वॉट वी वर डूइंग आई हैड डन द सीन्स आई हैड वर्क ऑन द डायलॉग सो विद सोनाली
सब कुछ जो पेपर में था वही किया हमने. कुछ कुछ लोगों के साथ ये होता है कि पेपर में जो है हम उसके अलावा चीज़ें करते हैं, बट ये बहुत इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ द डायरेक्टर. इट्स नॉट एक्चुअली एन एक्टर्स मीडियम, सो इट्स द डायरेक्टर्स मीडियम. इट्स हाउ द डायरेक्टर ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ द फिल्म. आपको सोनाली का तरीका कुछ अलग लगा बाकी डायरेक्टर से? मतलब जस्ट कंसीडरिंग यू नो द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम, शी हैज मेड लाइक मोर इंडी फिल्म्स. हां यू नो, नहीं एक्चुअली इट वाज वेरी सिमिलर टू नितेश सर. इट वाज वेरी सिमिलर टू बेसिकली शी इज प्रेप्ड एंड शी इज रेडी एंड शी विल सिट विद यू, शी विल गिव यू ऑल द टाइम. शी गिव्स यू द टाइम. जब भी व्हेन शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स द कैरेक्टर टू बी कश्मीरी, बिकॉज इनिशियली इट वाज अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, देन शी वी मेट, शी कास्टेड मी, शी रियलाइज दैट यू नो शी वांट्स टू एक्सप्लोर दैट वर्ल्ड. And she was South Indian character. हाँ, South Indian character. तो वो किस पॉइंट पे हुआ कि वो कास्टिंग? मैं South Indian कहाँ से देखूँ? अच्छा अच्छा, मतलब you got cast first and then they decided. अच्छा अच्छा अच्छा. I could have played, मतलब but then we wanted to play somebody who's a migrant, who's you know, who जो अमीर नहीं है, जो एक certain background से आता है, so उस हिसाब से we wanted to do justice. Right. So when she told me Kashmir, like मर गए, अभी I'll have to work on the dialect. So I asked her, we were supposed to shoot in a week's time. I asked her कि if she could give me 20 days, 20 to 25 days. She gave me 20 to 25 days to work on the dialect. So I was working every day for 5 hours. I would rehearse, practice, rehearse, practice. She gave me that time. So right. that I really appreciated. But even Nitesh sir did that. He gave us enough prep time. They are always prepped. Scenes kiye the. Blocking hum log Rekhi ke liye gaye the. Hume blocking humne blocking kiya tha. So there are directors who work like that. Then there are directors who even Amit Sharma, जिसने सूरज पे मंगल बनाई थी, वो भी ऐसे थार में भी एक्चुअली सब लोग प्रेप रहते हैं यार मोस्टली. नहीं मतलब प्रेप तो रहते हैं, पर हाउ ऑफ्टन डज इट हैपन कि एक्टर भी रेकी पे जा रहा है? ये तो नहीं होती ना चीज ज्यादा. आई थिंक अगर एक्टर अवेलेबल हो तो ले जाते हैं. अच्छा, और एक्टर की चॉइस पे भी डिपेंड करता है, आपको सही लगता है जाना? मुझे तो बड़ा मजा आता है, आल्सो बिकॉज़ आई लाइक टू बी ऑन सेट, बिकॉज़ आई लर्न अ लॉट. क्योंकि देन यू सी हाउ द डीओपी इज प्लानिंग टू यू नो सेट द शॉट, कि वो कैसे सोच रहा है. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स इवन द वे इट्स शॉट इज आल्सो अ नैरेटिव, हाउ व्हाट लेंस यू यूज, हाउ यू आर लाइटिंग द सीन, इवन दैट्स स्टोरी टेलिंग. सो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नोटिस एंड ऑब्जर्व. सो आई रियली एंजॉय कैमरा वर्क, तो मुझे बड़ा मजा आता है. आपको पर्सनली इंटरेस्ट है उस चीज में? जब मुझे, मैं एक्टर नहीं बनने वाली थी, मुझे लग रहा था कि मुझे एटलीस्ट सिनेमाटोग्राफर एज अ सिनेमाटोग्राफर ट्राई करना था मुझे. हां, आई असिस्टेड अ सिनेमाटोग्राफर आल्सो फॉर एन एड, कुरकुरे का कोई एड था पंजाब. ओह, वो जस्ट वंस. उसके बाद फिर तो अब छोड़ दी एस्पिरेशन वाली. हां, ये आसान नहीं है, काम करना पड़ता है. आई कांट जस्ट, इट्स नॉट लाइक वो तो है ही खैर. लेकिन फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग आई थिंक पहले मैं एज एन एक्टर कुछ थोड़ा और काम कर लूँ, फिर उसके बाद आई ट्राई, यू नो. बट यू हैव, मतलब वो है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड. आई वांट टू एक्सप्लोर, व्हाई नॉट. जब तक करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा. आई हैव सम स्टोरीज टू टेल. इफ आई थिंक इफ आई कैन डू जस्टिस देन व्हाई नॉट. बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर. आई जस्ट डोंट वांट टू बी लिमिटेड टू एन एक्टर्स रोल. आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर. आई वांट टू क्रिएट स्टोरीज. आई वांट टू tell stories. So that's at some point I would like to do that, but I would want to be good at it. Yeah, and for that you would need time. I need time, and I need the right. I have to be intent right hona chahiye, and I have to be dedicated. So right now I cannot do that. What kind of cinema are you fascinated with personally? मैं सब कुछ देखती हूँ. बचपन में तो हमने खाली वही देखा है जो मम्मी पापा लेके जाते थे, टिपिकल फिल्में होती थी. बट ये जो इंडी फिल्म्स होती है या जो बाहर की फिल्में होगी, ये सब मुझे कॉलेज के बाद जाके थोड़ा एक्सपोजर मिला. हाउ आई मेट योर मदर क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. मतलब कॉलेज के बाद मैंने, किसी ने बोला देखो, मैंने बोला ओ ये होता है. तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कुछ तो हाउ आई मेट योर मदर का कुछ तो था जो वो बोलता था, और मुझे लगा था कि वाह यार कितना स्मार्ट लड़का है ये वो. एंड आई हैड नॉट वॉच्ड हाउ आई मेट योर मदर. एंड देन वन डे आई सॉ, इट्स लाइक ये जोक तो उसने वहां से उठाया है. मेरे को लगा था कितना स्मार्ट है ये लड़का. इट वॉज सो फनी, इवन विद म्यूजिक. सो आई वॉज, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में म्यूजिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. कोई लोगों के घर पे होता ना कि माँ बाप सुन रहे हैं पुराने गाने, या कोई पिंक फ्लॉयड को सुन रहा है, मोहम्मद रफी को सुन रहा है. मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था. गालियाँ सुनी है. नहीं, बट तो म्यूजिक ऑल्सो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलेज, पिंक फ्लॉयड और ये सब. और ऐसे एक लड़का था, उसने बोला कि आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू. अरे वाह, वाह यार क्या मस्त लिखा है.
एंड देन दोस्ती वोस्ती खत्म हो गई. एक दिन रेडियो में ऐसे बज रहा था कोई गाना और मैं सोची कि लिरिक्स तो बहुत ऐसे सुने सुनाए लग रहे हैं. कैसे लड़कों से मिली हो तुम? बहुत ही चोर. तो फिर रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, मेरे को बोला तो उसने मेरे लिए लिखा है. मतलब ये वाली चीज है बिल्कुल, वो लोग उस चीज पे बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं कि मतलब एन आर्टिस्ट शुड नो हाउ टू स्टील. या दैट्स इट. या उसने वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से किया. बट एनीवे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ बाहर का सिनेमा वैसे. बट अगेन लाइक आई डोंट रिमेंबर नेम्स. आई एम नॉट वेरी यू नो वेल अवेयर अबाउट वॉट काइंड ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड या ये डायरेक्टर का नाम. मुझे ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती. बट मैं देखती हूँ, कंज्यूम करती हूँ. But did you used to watch films? मतलब at least जो TV पे आती थी, did you used to watch them? मतलब you were a child actor yourself. हाँ, but I used to act, but I used to not consume. Used to? Act, but I used to not consume a lot of media. Yeah. Oh. Yeah. But cartoon और Disney ये सब चीजें देखती थी. But यार मतलब cartoon तो मतलब मैं तो personally मानता हूँ क्योंकि मैं तो पूरे दिन बैठ के cartoon देखता था. क्या होता है? यार सच में मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो आगे जाके एक्टर्स बनते हैं, स्टोरी टेलर्स बनते हैं, उनका शुरू वहीं से ही होता है. जो बचपन में कार्टून्स देखे होते हैं ना टीवी के सामने बैठ बैठ के, उस टाइम तो मम्मी पापा गुस्सा कर रहे होते हैं. बट दैट्स गुड स्टोरी टेलिंग. ऑल द डिज्नी फिल्म्स, इट इज ग्रेट स्टोरी टेलिंग. पिक्सार, दे सच गुड फिल्म्स एंड सच ग्रेट कैरेक्टर्स एंड विद एनिमेटेड कैरेक्टर्स ना, देयर एक्सप्रेशंस आर ऑन पॉइंट. या देयर एक्सप्रेशंस एंड द वे दे इमोट आल्सो, बिकॉज इट्स यू नो You can have ऐसे करवा सकते हैं, but उनका expression इतना clear होता है कि बिना dialogues के वो लोग convey कर सकते हैं. There are so many films which are silent animation. I love anime. तो वो you love anime also? You watch anime? I used to when जब भी Animax आता था ना. हाँ हाँ हाँ. तो Full Metal Alchemist मैंने बीच में फिर से शुरू किया था. फिर Inuyasha ये सब पता नहीं वो फिल्म का डायरेक्टर है वो भी इंडिया आया था, उसके इतने फैंस इकट्ठे हो रखे थे, मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स फेल हैं उसके सामने. क्या बात है. या इट इज अ होल न्यू वर्ल्ड आउट देयर. बट इट्स क्रेजी ना कि इतना क्लियर स्टोरी टेलिंग के लैंग्वेज कोई बैरियर ही नहीं है. आपके थ्रू एक एनिमेशन के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो और स्टोरीज भी बिजार होती है. जैसे एक शो था हेल गर्ल, इसमें आता था एनिमैक्स में. इट वॉज क्रेजी. डू यू रिमेम्बर? इट वॉज इनसेन. इट वॉज स्कैरी बट इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई वॉज लाइक ये क्या है और वो कैसे इतनी मतलब क्या सोच के इतने डार्क लोग हैं वो लोग. किस बारे में था वो? एक लड़की है जो बदला लेती है. बेसिकली इफ यू आर इविल और इफ यू डन समथिंग रॉन्ग टू समबडी, सो वो आई थिंक जो विक्टिम है वो विश करता है कि one film or a couple of films that have maybe had a deep influence? मुझे तो कुछ कुछ होता बहुत पसंद है. I love it. Do you think that film had an influence on you? I think I loved Shah Rukh Khan. I think romance. What is romance? What I would like. मतलब वो the kind of romance that you would have liked. Yeah, like somebody to be like that. Somebody to you know. I don't know. Like look for me and find me and you know. बट वही होता है ना, हमारा आइडिया ऑफ रोमांस, आइडिया ऑफ रिवेंज, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम व्हाट वी कंज्यूम. सो एक तो वो था. दूसरा मुझे याद है ब्रेकिंग बैड मैंने देखा था अपना ब्रेकअप टाइम पे. मेरा ब्रेकअप हुआ था और उस टाइम पे ये सब नहीं था. तो आई थिंक यू प्रोबब्ली हैड अ वेरी डिफरेंट आइडिया व्हाट ब्रेकिंग बैड मींस. आई वाज लाइक ओह सो इट हेल्प मी थ्रू अ ब्रेकअप, अ वेरी बैड ब्रेकअप. सो दैट देन अभी आई स्टार्टेड वॉचिंग बेटर कॉल सॉल एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. इट्स सो गुड. It's so good. It's so old, but it still feels timeless. Yeah. दूसरा मुझे बर्फी पसंद है. The Great Gatsby. Oh yes. I really like that film. I every time I've seen it, I've cried. Whenever I've read the book, I've cried. Are you an easy crier while watching films? I am. रंग दे बसंती.
तारे जमीन पर, ऑल ऑफ दीज फिल्म्स आई थिंक तारे जमीन पर वो काफ़ी एडुकेटिंग थी. एंड रियलाइज करना कि ऐसे बच्चे होते हैं, ये स्ट्रगल्स होती है, थोड़ा हम लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना, क्या हो गया पिछली, हम लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि विद इमोशंस एंड यू नो थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं. बट व्हेन देयर आर फिल्म्स जो हमें थोड़ा अवेयर करती है कि ये भी इश्यूज हो सकते हैं, दीज आर द स्ट्रगल्स, एंड यू रियलाइज के शिट यार ऐसे ऐसे ये एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं था. हमारे एरिया में भी कोई ऐसा बच्चा था, बट हम लोग उसको दूसरे बच्चे बुली करते थे, हम लोगों को रियलाइज नहीं होता था कि उसके क्या स्ट्रगल्स होंगे. हमें पता है कि अच्छा ऐसा है, बट यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड. इवन एज चिल्ड्रन यू आर नॉट टॉट हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड. यू टेल बोलते क्या खेलो उसके साथ, लेकिन हाउ डू यू प्ले. या एंड यू नो अनदर लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स एंड विक्ट्रीज ऑफ तारे ज़मीन पर वाज दैट इवन दो इट वाज अबाउट दिस वन पर्टिकुलर चाइल्ड डिसऑर्डर और यू नो कंडीशन, बट एट द सेम टाइम इट वाज आई थिंक रिलेटेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी किड. मतलब एवरी किड दैट वाज स्ट्रगलिंग इन एनी वे, बुलिंग से कर रहा था, फिर जो मर्जी कर रहा था. बट आई डिड नॉट हैव डिसलेक्सिया ऑफ एनी काइंड, बट यू डिड नॉट फिट इन. बट आई व्हेन आई सॉ दैट फिल्म आई वाज लाइक आई कैन अंडरस्टैंड इट. I can see myself in this character. I can see myself in the pain that he's going through when he's being separated from his mother. Correct. So I think that like those are the most beautiful kind of films, right? And they stay with you, they change you. This Dangal was also that film. मुझे पता नहीं था कि इंडिया में रेसलिंग होती है. ये वाली रेसलिंग होती है जहाँ पे हम यू नो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, एशियन गेम्स में जा रहे हैं, हम लोग कम्पीट कर रहे हैं. मुझे आइडिया ही नहीं था. आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया था उस टाइम पे. ऊपर से लड़कियां भी कर रही है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. बट व्हेन आई you know when I auditioned for the film, when I was doing the film, I realized ki this is to a different world altogether. And you become more aware. So I think jab bhi aisi film aati na jahan pe jo challenge karti hai society ko ya jo batati hai cheeze jo hum aise hamare samne nahi aati, kahaniyan jo hamare aise samne nahi aati, jab until unless you look for it. You know, there are people who look for stories, unke samne inspiring stories aati hai ya pata chalta hai, thoda aur aware ho. Main to waisi nahi hu. नहीं पर वही बात है ना, दंगल मतलब द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव डन, मतलब दंगल फॉर एग्जांपल, मतलब वो तो फिल्म है ही वैसी, यू नो, मतलब इवन दो इट इज सुपर एंटरटेनिंग, बट यार मतलब दंगल ने चेंज करा है, मतलब काफी हद तक हिंदुस्तान को बहुत तरीकों से. आई एग्री. रेसलिंग को फोरफ्रंट में लाया है, रेसलिंग को फोरफ्रंट में लाया है, और लाइक जस्ट स्पेशली वुमेन इन स्पोर्ट्स, इट स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, और वो छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन ही थी, मतलब लिटरली, मतलब हर गाँव और उसमें मतलब शुरू हो गए, लोगों ने people started supporting women, you know, their daughters to matlab how does that feel, matlab to be, have been a part of that, a film like that jiska itna bada impact raha. Do you look back on that now? Surreal feel hota hai. I feel that I've been lucky, very lucky to be a part of a film which has made such a huge impact. It's one of the important films of our times. Jaise Tare Zameen Par Hogi, Dangal Hogi, Time Chak De Thi, ऐसी जो फिल्में थी वो कुछ कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. तो आई एम लकी दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच हैज क्रिएटेड दैट यू नो शिफ्ट टू सम एक्सटेंट, और एटलीस्ट हैव फोर्स्ड पीपल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट यू नो सर्टेन इशूज. तो वो आई फील वेरी लकी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ऑनेस्टली ऐसा नहीं है ना कि मैंने चूज किया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ऑडिशन किया, मैंने अपना काम किया जो करना था, और मुझे मौका मिल गया. बट ऐसा थोड़ी ना था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूंगी, वो मैंने चॉइस किया. राइट फिल्म हैपेंड टू मी, इट हैपेंड एट द राइट टाइम, राइट फिल्म हैपेंड एंड आई वाज लकी कि उसके उन लोगों ने ऑडिशंस रखे, ओपन ऑडिशंस रखे. नहीं तो ऐसी फिल्में आती है, आप देखते हो, आप ऑडियंस में बैठे होते, आपको मौका नहीं मिलता उस फिल्म का हिस्सा बनने का. सो आई थिंक आई बीन वेरी लकी. And you were just saying, talking about Barfi, and Malu, you have now worked with Basu. Like you've said twice. I love him. I love him so much. He's my most favorite filmmaker because I think I did Ludo after Thugs. और so मुझे ना self confidence और ये सब चीज़ का बहुत issue है. I've always all of us. हाँ सबका, हम सबका ही है. वो हमको लगता है कि we are not good enough and all of that. So after Dangal also I used to feel that I'm not a good actor. I'm not good enough. I used to be very मुझे समझ नहीं आता था कि मैं imposter syndrome type का major and Ludo चल रहा था और Ludo का shooting हो रहा था and दादा ने एक बार बोला तू इतना tension क्यों लेती है, you're good, I'm telling you're good, you just be no, why are you stressing so much, ऐसे पूरा दिन stress में निकलता है तेरा. And that gave me confidence. I felt like यार मतलब अगर ये आदमी बोल रहा है कुछ तो सेंस होगा ना इसमें, बिकॉज आई लाइक हिम, आई लव हिज वर्क, आई थिंक ही इज अ मैजिशियन. द फिल्म्स दैट ही मेक्स, द वे ही शूट्स देम,
द मोमेंट्स और वो सब ना सेट पे क्रिएट करता है, पता है, वो करते करते क्रिएट करते हैं. ही इज सो एफर्टलेस. ही मे बी वन ऑफ द फ्यू पीपल, आई थिंक द ओनली पर्सन आई वुड वर्क विद डिस्पाइट ऑफ नॉट नोइंग द स्क्रिप्ट. जैसे ये मेट्रो की, मुझे नहीं पता स्क्रिप्ट क्या है. He told me when I was going on set, he told me what the story is and everything abhi recently. So he knows everything. It's not that he doesn't know. But I trust him so much ki mereko lagta hai ki jo bhi ye dada hai sahi hoga. Mujhe farak nahi padta jo bhi hoga. I just want to work with him. He's one, I think one person in this industry that I would always, you know, go back to. Because I think he, as an actor, he makes you a better person. You grow with him. Because he throws you in situations where you don't have time to prepare. डायरेक्टर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप जब होती है वो कितना इफेक्ट करता है, मतलब परफॉर्मेंस को या फिर? इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना, मज़ा आता है, हंसते खेलते निकल जाता है टाइम. और जब जैसे सोनाली के साथ मेरा अच्छा था, नितेश सर के साथ अच्छा था, अमित के साथ अच्छा था, दादा के साथ अच्छा है, मेघना ऑल्सो, शी इज ऑल्सो अ ग्रेट डायरेक्टर, शी इज वेरी, यू नो, इट्स She's so smart. She's extremely intelligent. Right. And it's so amazing to see somebody who's aisa ekdam details mein jaati hai. And everybody has such a beautiful way of making films. Jaise Dada, he's also very like choti choti cheezon mein details dhoondte hai, aur you know, he finds his like in his films there are these very fine sweet moments. बट वो उनका इम्प्रोव आता है. विद मेघना एवरीथिंग इज लाइक इन हर हेड वेरी क्लियर एंड शी इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू टेल यू कि दिस इज वॉट यू गोना डू, यू नो, ना ये होने वाला है. तो वो भी, शी इज ऑल्सो वेरी प्रेप हेवी. आई डोंट नो इफ यू स्पोकन अबाउट दिस येट, बट लाइक प्लेइंग इंदिरा गांधी, हाउ वाज दैट? तो मेरे को लगता है कि मतलब जब जितने भी लोगों ने जब पहली बार दंगल देखे एंड दे सॉ यू, उसके बाद से मतलब वो तो अभी तक चल ही रहा है. मुझे लगता है मैंने गलती की वो मीम को शेयर करके. What is something that you think is often misunderstood about acting by the general public? Matlab, maybe something that... कि हम सब बहुत अमीर होते हैं. ये तो मेरा भी है. हाँ, देख क्या आदमी है. नहीं, लेकिन you have a beautiful house. तो भाई बहुत काम किए हैं. तो अमीर तो हो ना फिर. अमीर कहाँ से, सब मुझे ही पता है कि कितना लगता है यार. And also I've come... मतलब I'm sure that it's a lot of hard work, lot of perseverance. Yeah, and I come from a very low middle class family. Right. I've come from a place where we used to live in one room kitchen. Yeah. On the ground floor, which was actually a parking basement, which was turned into a house. So it's been a process. And I think I'm proud of myself that I've been able to achieve at least the things that I've... Aisa nahi ki maine ghar kharida hai. I'm staying on a rented house. But at least I have crossed the milestones that I wanted to, you know, when I was struggling. And I'm still struggling because this process never stops. Ye struggle kabhi khatam nahi hoti hai. You're constantly looking for good work. You're constantly, you know, fighting your own instinct ke main paise ke liye kaam karun ya main wait karun aur ya fir 80% film udhar hai main karun ya nahi karun. So you also change according to your needs and wants. Agar mere ko bills bharne hain, if I have loans, then I have to do things that I don't want to do because I have to pay the bills. Agar usme se 10 film karungi, शायद 6 ऐसी करनी पड़ी जो मुझे पैसे के लिए करनी पड़ रही है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपको सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है. जब भी आपके पास लग्जरी है, इनाफ सेफ्टी है, ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी है, ओनली देन यू कैन चूज टू डू थिंग्स दैट यू नो यू फील दैट मेक यू रियली हैप्पी एज एन एक्टर. बट समटाइम्स यू डोंट हैव दैट स्पेस एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट आई फेस वेयर आई फील के यार शुड आई do this for money, should I not, or should I wait, or what should I do, ye constant chalta rehta hai. So the struggle never stops and sometimes you've taken such a long break that there are so many other people who've come. Now there are other actors who are probably doing more work than you are, or you know, new kids that are being launched. So abhi wo to chalta rahega, log to aate rahenge. So wo struggle kabhi khatam nahi hoti hai. Do you feel like this is like a job that just comes, matlab one of the things that it just comes with is this lot of uncertainties, fears, insecurities? Do you feel like them more than compared to, let's say, I don't know what are the requirements of other job. Maybe unki insecurities dusre way mein aati hogi ke ek certain way mein present karna hai ya jo bhi intellectually ye sari cheeze bolni hai ya nahi karna. Mujhe nahi pata ki dusre jobs ki insecurities kya hoti hai kyunki maine apne aap ko position mein dala nahi hai. But when I was working as a
So I was assisting a photographer. I told you that I was, you know, we used to go on shoots and shoot weddings. And when I assisted that cinematographer also, as a technician also, you feel insecure. Okay, am I doing a good job or not? Am I good enough or not? Some people are very confident. Some people, you know, fake it till they make it. Some people, they are still imposter syndrome. होता है कि अच्छे होते हैं but उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं तो वो वहीं पे अटक जाते हैं जैसे मेरे साथ हुआ. I didn't believe in myself. I felt like I was scared jumping into films which were just on my shoulders because I thought that I wasn't good enough to hold those films or to carry those films on my shoulders. So I was very scared. I did not believe in myself. Then after a point, I was like, कि जब दूसरे लोग मेरे ऊपर पैसे डालने के लिए तैयार हैं, तो I think I should go with it. At the most क्या होगा? गंदा काम करूँगी, तीन गंदा काम करूँगी, तीस चौथे में तो अच्छी हो जाऊँगी ना? उतना तो dedication है मुझमें. So I think insecurities come with every job. It's also what kind of personality you have. Yeah. इस job में बस ये है कि पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें जब वो insecurities वगैरह से तुम deal कर रहे हो, है ना? In a way. हाँ हाँ, of course. I completely agree कि you're being, it's a job where you're out there to be judged. आओ. Yeah. Judge करो और चले जाओ ना. Some people might like your work, some might not. Some also because ऐसा नहीं है ना कि लोग आपको सिर्फ आपके काम के लिए judge कर रहे हैं. If they might like your personality and with Shahrukh, you know, people love him and I love him. I want to see his films, irrespective of them being good or not. I just want to. I love him as a person. So हमारा वो भी हो जाता है कि थोड़ा वो personal space में भी include हो जाता है. Right. As a personality, if you connect with people or not, and that is ever changing also. But have you made your peace with the fact that you now have this life where you're always going to be seen by? I've made peace with that long time ago. It's I do not have a problem with that. It's a job that I have chosen. I want people to watch my films, and I want as many people as there are in this country and all over the world to watch my films. The more people watch, the more I'll be judged. But I would rather, I'm okay with that because I want people because to watch my work. Yeah, because you're much happier with the rewards that come with it. Yeah, yeah. अगर अच्छा काम नहीं किया गाली भी मिलेगी, but I'm okay with that. Yeah. वैसे ही तो सीखते हैं. आपको realize होता है वो ये connect नहीं किया, मतलब आपने कुछ तो गलत किया. Right. How do you look back on your time as a child actor now? See, back then it was. Do you watch any of this stuff now? I don't like watching myself. अच्छा, in general. I don't watch my films. You don't? बिल्कुल भी नहीं. मेरे को इतनी खामियां दिखाई देती है ना मुझ में. मुझे लगता है कि ऐसे किया होता तो बेटर होता. मुझे कोई भी, मैंने मॉडर्न लव भी, आई वाज लकी दैट सोनाली लेट मी सिट ऑन एडिट बिकॉज़ आई हैड रिक्वेस्टेड हर. मतलब जस्ट एज एन इंटर्न आई जस्ट वांटेड टू वॉच टू सी द प्रोसेस बिकॉज यू लर्न अ लॉट राइट ऑन एडिट. जितनी भी चीज़ें होती है ना, सब खुल के आ जाती है. जो भी पाप होते हैं, जहाँ जहाँ आपने फकअप किया है, जहाँ जहाँ आपको लगता है आपने किया है बट नहीं हो, बिकॉज एवरीथिंग इज रॉ. And you can see how, you know, editors also make a scene, right. How they change storytelling, how they change the scene when it's from a different perspective, what close-up they are using, when they go out wide, what do they intend to do. So all of those things are very interesting and I'm very interested in the whole process. Filmmaking process. Wo time pe working hours mein cap nahi the, to aap 16-16, 17-17 ghante kaam kar rahe ho. Dusra, after a point, because I was a kid, but I was working with adults constantly, it didn't excite me. And I didn't have friends my age. I was constantly around adults. एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, तो स्कूल मेरा मिस होता था, वो मैं बहुत ही खुश थी उस चीज़ को लेकर. बट इन दी एंड फिर जाके एग्जाम्स देने पड़ते थे. सो आई वॉजेंट रियली पर्टिकुलरली हैप्पी वैन आई वॉज अ किड, वैन आई वॉज अ चाइल्ड एक्टर. एंड ऑल्सो आई डेंट लाइक सो मच ऑफ अटेंशन. So whenever I would go and people recognized me, I used to get very nervous. Right. So it took me a while too. So I stopped. I quit as an actor when I was a kid. Then again I did beech beech mein, but that was because it just gave me money, not because I wanted to. Correct. And do you feel like, because again, you, it's completely okay if you do not want to talk about this, but for a lot of child actors around the world, I think India mein itna nahi hua par bahar hi bahut hua, Macaulay Culkin and Drew Barrymore, who were child actors, and then they really got involved in, you know, like they got involved with addiction and mental health issues when they were kids, and that really like took a lot of years from their life.
इट्स ऑल्सो वेरी कल्चरल बिकॉज यहाँ पे एडिक्शन और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते. ऑल्सो वैसा कल्चरली हम लोग बहुत अलग है. आई वॉज देर वॉज अ टाइम एंड ऑल द चाइल्ड एक्टर्स वर वेरी फेमस एंड यू नो वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड जैसे वहाँ पे भी होता है. बट आई थिंक एक्सेस टू ड्रग्स और ये सब ऐसे होता नहीं है. मतलब इट्स नॉट इजी. हमारे माँ बाप हमारे सर पे ऐसे बैठे होते हैं जैसे मतलब वो करने नहीं देते ड्रग्स आए वो लोग. सो इट्स कल्चरली वेरी डिफरेंट. सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग होंगे. मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होते ही है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. यू आर एक्सपोज टू एन एनवायरमेंट एट एन एज वेयर हु यू आर एंड वॉट यू आर before you could understand you are told by others. So it's a different thing where others adults are judging you for agar jaise maine ek tv show kiya tha jab bhi main teenage thi teenager thi to koi dialogues mujhe yaad nahi ho rahe the aur mujhe memory ki problem hai. To wo maine suna makeup room se jo dusri actress thi usne bola ye chachi 420 mein thi so to dialogue bolna nahi aata. But wo प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एडल्ट्स भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए ये सारी चीजें कितनी बहुत ज्यादा मतलब हमेशा रह जाती है वो रह जाती है. तो वो टाइम के लिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया. सो मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव था. कुछ कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि इतना जल्दी एक्सपोजर वो लोग खुल जाते हैं. मेरे लिए और प्रॉब्लमैटिक हो गया था क्योंकि मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी. मुझे आई यूज टू बी अनकम्फर्टेबल. आई डेंट लाइक पीपल जजिंग मी. आई डेंट लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट मी. सो इट डेंट वर्क फॉर मी. And that's why I had those problems where I didn't think I was good enough because when I was a kid I was told I was not good enough by people or that I'm not good looking enough because वो बच्चों में भी वो जाता है कि अच्छा ये good looking बच्चा इसको ऐसे वाले roles मिलेंगे. teenage में तो बहुत ज़्यादा होता है. हाँ good looking बच्चा ये hot girl of the या cool girl of the TV channel में होगी. ये nerdy होगी. ये हाँ ठीक है अच्छी bracket कर देते हैं वो bracket कर लेते हैं बचपन में. तो आपको वैसे ही realize होता है oh shit I'm not the good looking one. correct. Which everybody goes through that phase, you know, in school when they are not the best looking kid. पर ये चीज़ मतलब काम के साथ होना तुम्हारे काम के साथ और ये आपकी identity बन जाए वो problematic है. वो आपके growth में आपको disturb करती है. So I think mental health issues होते हैं child actors को. सबके अलग अलग issues होते हैं. But हमारे यहाँ पे अब जाके बात होती है. पहले तो होती भी नहीं थी. और culture difference है तो I think वैसी चीजें नहीं होती है. पर फिर भी मतलब कैसे मतलब हाउ कैन बिकॉज ऑब्वियसली लाइक हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चों को निकाल दे फिल्मों से. नहीं तो अभी रूल्स चेंज हो गया ना. अभी बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज आ गए इन द प्रोड्यूसर्स गिल्ड आल्सो. दे सो दे कीप अपडेटिंग देयर लॉज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट एनिमल्स टू प्रोटेक्ट यू नो एनीबडी हु इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री वुमेन. सो अभी ये सारी चीजें अभी इससे काफी इंप्रूव हो रहा है. सो इन प्रोड्यूसर्स गिल्ड देयर हैव बीन कांस्टेंटली दे कीप अपडेटिंग दीस लॉज. सो नाउ इट्स यू कांट वर्क फॉर 17 आवर्स. यू कांट मेक अ चाइल्ड वर्क फॉर 17 आवर्स. दे आई थिंक इट्स व्हाट 6 टू 8 आवर्स व्हिच इज फाइन. हॉलीडेज होते हैं. ट्यूटर ऑन सेट होना चाहिए. सो ऑलरेडी मतलब काफी बदल गया है. इट्स नॉट लाइक हाउ यू इट यूज्ड टू बी व्हेन आई काफी प्रोटेक्टेड है पहले के मुकाबले. एंड यू फील हैप्पी अबाउट दैट राइट. व्हेन यू सी व्हेन मतलब आई एम श्योर व्हेन यू रीड अ न्यूज़ अबाउट दैट यू फील अ पार्ट ऑफ यू फील दैट यू नो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ इट रियली शेप्स यू एज अ पर्सन राइट. एंड चिल्ड्रन बीइंग प्रोटेक्टेड ऑन सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट because there is a lot of sexual abuse also that happens. Yeah. And not only on set, everywhere, any which ways. Correct. So the moment you're exposed to a lot of people and there isn't enough safety, this is prone to happen. Yeah. Even in schools, sexual abuse to happens everywhere. Yeah, yeah, yeah. कितना हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ में किसी ने ये किया. हाँ यार, of course. Horrible. Yeah, yeah, yeah. How do you feel about intimacy coordinators now on set? Have you worked with one yet? No, I haven't worked with one yet. अच्छा है यू नो एज लॉन्ग एज देयर इज समबडी टू मेक यू फील सेफ. वो बॉलीवुड में हो रहा है ना वो काफी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर. पहले भी इंटीमेसी होती थी. कोऑर्डिनेटर्स अब आ गए. आई थिंक पहले ये होता था कि डायरेक्टर्स. बट डिड यू एवर फील लाइक दैट वाज एन इशू दैट नीडेड टू बी. सी आई हैव नॉट डन फिल्म्स लाइक दोस. ओह यू हैव. सो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं वो सिचुएशन में रही नहीं हूँ. राइट. मेरी इंटीमेसी खाली थार में रही है. वो भी इतनी सी रही है. उसमें भी मैंने अपने डायरेक्टर को बोला था मुझे नहीं पता क्या करवाओगे मुझे पहले बोल दो ये वो. उस बेचारे ने ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल. तो ऐसा मैं कभी अनकंफर्टेबल एनवायरमेंट में रही नहीं हूँ. राइट. बट आई एम श्योर लाइक यू नो बिकॉज पीपल हैव बीन in situations where they've not been able to voice ke what they're comfortable with or not, and it's nice to have somebody on
by their side, especially for women, कि जहाँ पे वो बोल सके भाई इतना मैं ठीक हूँ, या वो लोग पहले ही प्लान कर ले, डिजाइन कर ले एक, इट्स लाइक कोरियोग्राफी ना, इट्स लाइक अ डांस, वेरी कोरियोग्राफेड, एंड देन दिस इज व्हाट इट इज. सो आई थिंक इट मेक्स यू फील सेफ, फ्री, एंड देन यू कैन जस्ट परफॉर्म विदाउट द स्ट्रेस ऑफ बींग स्केर्ड के ये कैसे शूट होगा, क्या होगा, एम आई बींग टच्ड इनअप्रोप्रिएटली, और एम आई क्रॉसिंग द लाइन. इट गोज बोथ वेज ना, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब वो तो है, मतलब लाइक एज ऑडियंस, एज पीपल जस्ट वॉच फिल्म्स, हम लोग सोचते तो है ही हमेशा बड़े होते हैं कैसे होता है, यू नो. आई एम श्योर दैट यू मस्ट आल्सो हैव बीन वंडरिंग व्हाइल ग्रोइंग अप कि करते कैसे हैं, मतलब एंड हाउ मच ऑफ इट इज रियल एंड हाउ मच ऑफ कन्वर्सेशन इज हैपनिंग. इट्स नॉट रियल. ओह ऑफ कोर्स. मतलब ऑन सेट इतने सारे लोग होते हैं, कैमरास होते हैं, इट्स नॉट दैट यू नो यू फील समथिंग वैसा. इट यू आर थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर, यू आर थिंकिंग unless you really like the person. If you're attracted, then it's a different thing altogether. But if you're just friends with somebody and you're doing it, then aisa bhi hota hai ki aap bilkul kisi se connect nahi kiye ho aur aap apna kaam kar rahe ho and you do your scene, but then it feels as choreographed as, let's say, an action scene. yeah hota sach mein utna choreographed feel hota hai. hota hai, because agar aap itne sare takes de rahe ho, ek point ke baad farak hi nahi padta. It's okay. Like crying. अभी हर बार रो के मैं थोड़ी ना घर जाती हूँ रोते. इट्स यू क्राई, योर सैड इन अ सीन डजंट मीन दैट यू विल गो होम सैड. एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट प्रोसेस, बट आई फील आई डोंट टेक माय कैरेक्टर्स होम. यू डोंट? आई डोंट टेक माय कैरेक्टर्स होम. आई, फॉर मी, कट मतलब कट. आज तो कोई भी कैरेक्टर नहीं हुआ दैट हैज ब्लेड इनटू योर पर्सनालिटी अ लिटिल बिट? नॉट एट ऑल. रियली? यू चेंज एज अ पर्सन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द पीपल यू मीट, एंड यू चेंज एवरी सेकंड. एवरी सेकंड यू आर चेंजिंग विद टाइम. So wo that happens, and because you're on a set for a very long period, ek 3 mahine lagta hai, ek saal lagta hai film banne mein, aapke itne interaction hote hai ki aap waisi badalte ho, aur aapka abhi Dangal play kiya to my exposure to sports happened, so information I changed as a person because I became more aware. Modern love kiya to I got to know about the situations of migrants, how is it for a worker girl to be working in somebody's house as a help. Thugs kya, wo sab seekha, sword fighting, ludo kiya, dada ko mili, thoda confidence aaya, Raj ko mili, dekha kitna acha co-actor hai, you learn, you keep growing. मैं ऐसे कुछ नहीं है, मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं वो सेट पे लेके जाती हूँ, घर पे कोई कैरेक्टर को नहीं लाती. Do you think being an actor has made you more empathetic as a person? Yeah, I have always been an empathetic person, so I can feel that also. Okay. Which is, it comes across. Oh, good. Yeah. I am a very empathetic person, but I think it helps. I don't know. Like, I know people who are not that empathetic, but they're great actors. Haan, matlab. So I think skill has nothing to do with what kind of a person you are. Mera conscience clear hai. And do you think in general, like, मतलब एक्टिंग स्पेशली इज दैट काइंड ऑफ वर्क वेयर मतलब चाहे कोई भी क्राफ्ट हो, इनफैक्ट चाहे वो, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू दिस म्यूजिशियन फ्रेंड ऑफ माइन, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फादर हु इज लाइक दिस ग्रेट प्लेबैक सिंगर, और उनको सालों हो चुके हैं और वो एक राग है जो कि उनको हो नहीं पा रहा था. और उन्होंने ऐसे को 30-35 साल बाद बोला कि एक दिन सुबह आए, बोलते कि बेटा ये वाला जो राग है ना, ये मैंने आज सीख लिया. You know, my God. No, like, and that is what art is, right? मतलब there is discovering no discovering yourself. कोई book नहीं है उस चीज़ की. नहीं है. मतलब चाहे वो कितनी किताबें लिखी गई हो ना कि acting की ये वो. वो आपका खुद का process होता है. Everybody has a different way of approaching art. Yeah. कोई painter होता है, वो अलग तरीके से करता है. There are actors who, you know, I work on the text that's there with me, so I keep on reading. I like to learn more about what's written and about the film. I also understand that filmmaking is not like theater. It has a lot to do with a lot of other people involved on set. So camera work hota hai, director hota hai, background hota hai, 50 cheeze hoti hai, shoot ek din hota hai, 3 mahine nahi hota, ek saal ke baad ek pickup hoga, ek emotional scene ka. So wo itna scattered hota hai. Yeah. And jo filmon mein maine kaam kiya wo to bahut scattered rahi hai. So it's taken, like, even Ludo took a lot of time. Right. और बीच बीच में पिकअप्स थे, सो बाय देन यू लर्न टू कम बैक टू दैट कैरेक्टर, अभी जो भी उसका मेंटल स्टेट होगा. सो आई डोंट, पहले मुझे लगता था कि मेरा तरीका सही नहीं है, कि वाई एम आई नॉट टेकिंग इट होम, वाई एम आई नॉट फीलिंग दिस लो, वाई एम आई नॉट चेंजिंग, और मैं क्यों नहीं वो कैरेक्टर जैसी बन रही हूँ. बट मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे बनने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग माई जॉब राइट, दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड एक्चुअली मैंने अभी
मैं आदिशक्ति गई थी, इट्स अ वर्कशॉप दैट हैपेंस इन पांडिचेरी. वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी मुझे शांति मिली. सो आई हैव नेवर बीन एबल टू अफोर्ड टू गो टू एनी ड्रामा स्कूल. शांति मिली एज इन विद रिस्पेक्ट टू योर एक्टिंग या विद जनरल लाइफ में? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू माय एक्टिंग. एंड आई विल टेल यू व्हाई. कि व्हेन आई वाज यंगर आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू एनी ऑफ दीज एक्टिंग स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स और वर्कशॉप्स बिकॉज़ आई कुडंट अफोर्ड इट. एंड फाइनली व्हेन आई कुड आई वेंट टू आदिशक्ति. और जो मुझे लगता था ना कि मैं आई डोंट स्टे विद द कैरेक्टर, मतलब मेरे कैरेक्टर्स मेरे साथ नहीं आ जाते घर पे, मैं इतनी इनग्रॉस नहीं हो जाती, तो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ. जैसे रात रानी में ऐसा नहीं है कि मतलब व्हेन शी व्हेन लालजरी वाज सैड इट वाजंट दैट आई वाज सैड. आई हैड माय अदर इश्यूज इन लाइफ बट आई वाज अपसेट वन डे बिकॉज आई थॉट आई डिडंट डू अ गुड सीन. सो आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो अपसेट दैट आई वेंट टू माय रूम एंड आई वाज जस्ट क्राइंग बिकॉज आई फेल्ट दैट आई डिडंट डू माय एंड इट वाज दैट सीन. जब भी मैं लुत्फी को कॉल करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कि तुझे याद है, मतलब मैं फोन पे चिल्लाती हूँ. दैट्स माय फर्स्ट टेक व्हिच इज देयर इन द फिल्म. ओह नाइस. हाँ, सो बट आई जैसे मैंने इमेजिन किया था, जैसे मैंने अपने दिमाग में किया था और जितनी बार भी मैंने रिहर्स किया था अकेले में, मुझे लगा मैंने वैसा नहीं किया. बट एक्चुअली अच्छा हुआ. बट वो टाइम पे मुझे लगा कि मैंने अच्छा. इट वाज रियली गुड यार. हाँ, बट वो मुझे वो टाइम पे मुझे पता है ना कि it wasn't, it took me, I wasn't happy. So, jabki it came out fine only. And yeah. Sonali also said it's nice, but I thought that it wasn't nice. I went back to the room, makeup room, and I cried and cried and cried because I thought ke mujhe acting nahi aati, mujhe chhod deni chahiye, I fucked the film, I couldn't do it well. And so that's what happens with me. I don't take the characters. But anyway, coming back to Adi Shakti. तो वहाँ पे उन लोगों का फंडा क्या है कि देखो आपका काम है एक्टिंग करना, आप सुबह से शाम तक वो करोगे. यू हैव टू लर्न टू मैनिपुलेट योर ब्रेथ इन अ वे वेर यू प्ले दोज इमोशंस एफर्टलेसली एंड कट बोल के फिर तुम जाओ पार्टी करो आ जाओ बिकॉज दिस इज योर जॉब. डोंट मेक दिस जॉब योर लाइफ. करेक्ट. बिकॉज यू एनी विच वेज हम लोग बोलते हैं ना कि हम सैड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ऐसा सैड और डार्क कैरेक्टर है. मैं सैड हो गया, मैं डायरेक्टर ये हो गया, एकदम डार्क इंसान बन गया मेरी लाइफ में, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही रहता हूँ. बोला जब भी हम कॉमेडी रोल्स करते हैं, कॉमेडी फिल्म्स करते हैं, तो हम वैसे लाइफ में क्यों नहीं हो जाते? वी डोंट टेक हैप्पी इमोशंस. व्हाई डू वी ऑलवेज टेक सैड इमोशंस? इफ दैट्स योर प्रोसेस देन यू शुड बी अ हैप्पी पर्सन, देन यू शुड बी एबल टू यू नो जंप अराउंड, बट वी टेक सैड इमोशंस. सो इट्स लाइक यू शुड लर्न टू डिस्कनेक्ट. नेगेटिविटी से अटैच होना बहुत इजी होता है ना. इट इज वेरी इजी. या एंड आल्सो you can achieve the same thing either by really understanding your craft and having that control in your the way you approach a scene, and there's nothing wrong if you want to do it that way, even that is right. Even this way is right. So jis cheez ki shanti mujhe ye mili ki jis tarike se main karti hu galat nahi. And are there any Indian films that you're looking forward to? Any filmmakers that you kind of jinka aap kaam? I wish he made more films. I really wish he made more. Yeah, films. But unka process thoda lamba hai, so he takes time to make one. He takes time, but I feel that we deserve to see more of his work. And also, I agree. He has a lot of stories, so I wish he made like he makes it faster. Yeah. Otherwise, Donkey aa rahi hai na? Wo mujhe interest hai. I am very excited. Aur kya kya aa rahi hai? Kya aa kya raha hai? शाहरुख तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. और क्या आ रही है? सैम बहादुर, आई होप अच्छी है. सैम बहादुर, या सैम बहादुर विकी इज टू गुड. व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर ही इज सो गुड. एंड मुझे याद है हम दोनों तो शूट खत्म हो गया था, मैंने उसको बोला बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम. डू यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ सीन्स टुगेदर? अभी माय ऑल माय वर्क इज विद हिम. ओके ओके. सो बट वो लड़का ट्रांसफॉर्म हो जाता है यार. वो विक्की है, फिर वो सैम बहादुर बन जाता है, और वो सैम बहादुर इतना अच्छा बनता है. ही इज सो गुड दैट यू फील दैट समबडी एल्स ओनली हैज एंटर्ड द रूम. एंड ही इज आउटस्टैंडिंग. I can't tell you how good as an actor he is. And such a good co-actor, gives cues, always there. कुछ नाटक नहीं, कुछ tantrums नहीं, बहुत simple लड़का है और बहुत अच्छा है, बहुत talented है. I think of our generation he is the best actor. I truly feel that. And extremely versatile.
So I really enjoyed working with him. Who else do you like? मतलब अभी चाहे current generation से पुरानी generation से who are the actors that have influenced you? Shahrukh Khan. Forever Shahrukh forever. I'm a Shahrukh Khan fan. But I feel Aamir has given us a lot of films which 100%. Have, you know, जैसे रंग दे बसंती हो गई, Three Idiots हो गई. तारे ज़मीन पर हो गई. Even PK. मतलब his films have had just the most. Even धोबी काट नहीं, जो दूसरी वाली थी ना, उन लोगों ने जो प्रोड्यूस की थी, बहुत छोटी सी फिल्म. पीपली डेली वाली. वो. अलग फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. डेली वाली. All of these films are such different films. Yeah. So him, then I also like Irfan Khan, Manoj Bajpayee. मुझे Gangs of Wasseypur बहुत पसंद है. तो ये सारे एक्टर्स हैं जो I really love. I love Priyanka Chopra. I think she's extremely versatile. वैसी एक्ट्रेसेस अभी है ही नहीं. वो जो वो जनरेशन वाली थी ना, मैं भी नहीं. मतलब क्या था उनमें ऐसा खास? वो एक तो दे वर वेरी फेमिनिन, दे वर वेरी इंडियन. दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डांस एंड द कैरेक्टर्स, बिकॉज दे वर्कड सो मच. दे प्लेड डिफरेंट कैरेक्टर्स, चाहे वो माधुरी हो, जूही हो, प्रियंका हो. मतलब मुझे लगता है लास्ट प्रियंका ही थी जो वैसे टाइप की, मतलब इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस थी. अभी हम लोग जो है, हम लोग, मुझे पता नहीं, मतलब देर आर विद्या बालन है हु इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. आई लव हर. आई लव, आई थिंक शी इज सच अ तबू मैम. बट अगेन सी ना, एंड यू सी देयर फिल्म्स एंड द ग्राफ्स एंड द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दे हैव प्लेड. दे हैव ऑल्सो डन कमर्शियल फिल्म्स, दे हैव ऑल्सो डन फिल्म्स व्हिच ओनली यू नो दे हैव कंप्लीटली ओन्ड. They played such different characters. They played a dumb girl. They played extremely intelligent girls. They played, you know, a sex worker. मतलब कितनी characters उन लोगों ने play किए. हमें तो हम तो मुझे लगता है कि अरे नहीं. I wish I was as talented as them. मतलब you are obviously underestimating yourself quite a lot. You are extremely talented. हाँ, but मतलब मैं तो उन लोगों की fan. हाँ. मतलब और हम आपके फैन हैं तो ऐसे तुम रोज आया करो. रोज आके हम लोग 50-50 मिनट के इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे. करो, मैं तुम्हें फुटबॉल में हराऊंगी. वाह, मतलब हाँ, ये तो आपके लिए तो विन-विन सिचुएशन हो गई है ना. एक तो ईगो बूस्ट हो गया हर तरीके से. या ओके, सो आई थिंक लेट्स ऑन अ पार्टिंग नोट, आई हैव टू क्वेश्चंस. ठीक है, पहला पूछता हूँ. वन, ये बिल्कुल अलग है हमने जो बाकी बातें करी हैं, थोड़ा सिमिलर भी एक्चुअली, थोड़ा सा लोडेड है. What does happiness mean to you? What does happiness mean to me? I don't know. तो I think happiness ना एक farce है. You can never be happy. एक क्या है? Farce है, झूठ है. Farce है. Because happiness cannot be a constant state. Until unless you don't feel sadness, you will never feel happiness. So you have to feel low. You have to feel nothing. Only then there is space to feel any. High in your life. So for me, happiness is not an important emotion. I feel it's the beauty of experiencing all the emotions and enjoying it, that is contentment for me. Ek book hai, matlab I would strongly recommend it. It's called Why Be Happy When You Can Be Normal. Haan, sahi hai lo. Yeah, and that it kind of talks about this exact ideology, but yeah, I really, really completely agree with you. Yeah. I also very strongly believe you. And the second question is, how do you feel about our work? आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे लगता है बहुत. मुझे पता चला कि मेरी तारीफ नहीं है. But I think the way you break down emotions, the way you break down films and stories, I think in a very simple way. मतलब मैंने जो देखा कि Instagram में कुछ slides है, for me it's enough. Yeah. And I am that audience. To be honest, like I बहुत कम, या तो मैं किताबें पढ़ूंगी जो मुझे बड़ा मजा आता है, या तो अगर इंटरनेट पे, तो मैं बहुत कम चीजें इजीली जो कंज्यूम कर सकती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है. सो आई रियली लव यू. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट्स, आई कैन कॉम्प्रिहेंड इट, दैट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज सिनेमा कैन बी एक्सट्रीमली टीडियस. व्हेन पीपल टॉक अबाउट सिनेमा, इट कैन बी सेड इन वेज वेयर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. इट्स टू इंटेलेक्चुअलाइज्ड वेयर, एंड आई एम नॉट सेइंग के आम जनता डम है, कोई डम नहीं है. इट्स जस्ट दैट के आप अगर उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, वो आई नो व्हाट यू सेइंग, इट कैन बी एलियनेटिंग एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग, बिकॉज़ फिल्म्स आर इंक्लूसिव. इट इज मेंट टू यूनाइट पीपल, इट इज मेंट सो दैट पीपल कैन एंजॉय समथिंग टुगेदर.
अगर वो एक इंसान के लिए बनी होती तो फिर हम कुछ और ही कर रहे होते. तो आई थिंक इवन व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्म्स द प्रोसेस इट शुड बी इन अ वे वेयर पीपल अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज अगर मैं ही नहीं समझूंगी तो मतलब क्या है. सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट. ये बस मैं इसलिए कर रहा था मेरे को थोड़ी वैलिडेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. आई रियली रियली अप्रिशिएट यू एंड आई रियली अप्रिशिएट यू डूइंग दिस विद अस. थैंक यू. एंड या थैंक यू सो मच फातिमा. दिस वाज अ ग्रेट चैट. आई होप यू आल्सो हैड फन. पैसे मैं फुटबॉल टेबल में छोड़ के जाऊंगा. बट या थैंक यू सो मच. एंड गाइस दिस वाज फातिमा सना शेख विद अस ऑन द ह्यूमन सिनेमा पॉडकास्ट एंड दिस इज अ साइनिंग ऑफ. Hi guys, thank you so much for checking out our episode with Fatima. We really, really hope that you enjoyed it. For this episode, we collaborated with Mubi. Now a little more about Mubi. Mubi is one of our favorite streaming platforms. And Mubi creates and curates films, bringing cinema and its diverse voices to people from all over the world. From iconic directors to emerging auteurs, there is always something new to discover. With Mubi, each and every film that you see is hand-selected by its team of curators. You can discover the best of cinema at your fingertips, streaming anytime, anywhere. Plus, with Mubi Go, you can also get a free cinema ticket every week to watch the latest releases on the big screen. You can try Mubi free for 30 days at mubi.com/HOC2023. That is mubi.com/HOC2023 for one whole month of great cinema for free. And also, since Fatima spoke so extensively about the complexities in the life of an actor, I would strongly recommend you to check out Irma Vep on Mubi, an extraordinary meta film directed by Oliveira Sayas. The film stars the ethereal and amazingly talented Maggie Chung, who plays herself in a hilarious and self-reflective film about the film business and the lives of actors. It is a thoroughly enjoyable film that doesn't take itself too seriously and yet is able to make some subtle and thought-provoking commentaries. Mubi is currently running an Olivier Assayas retrospective, so I would strongly urge you to check out some of his other films too, such as Clouds of Sils Maria and Summer Hours.